एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि जब कोई भी फिल्म बनती है तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? जी हाँ, उसकी रिलीज डेट, यानी ये फिल्म किस दिन रिलीज की जाएगी और ये कि उस दिन या उससे अगले हफ्ते कौन कौन सी दूसरी फिल्म रिलीज होंगी। क्योंकि उन्हीं दिनों में अगर बड़े स्टार्स की फिल्म रिलीज हो रही हों तो बॉक्स ऑफिस का बिजनेस डिवाइड हो जाएगा, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ फिल्म जैकपॉट के साथ। आइए मालूम करते हैं शुएब खान से कि एक्चुअली हुआ क्या। जैकपॉट के केस में असल में प्रॉब्लम ये हुई कि जैकपॉट 6 जुलाई को रिलीज हुई और इससे पहले जो थी वो संजू ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हुई थी। उस वक्त संजू का फीवर था जिसकी वजह से जैकपॉट को प्रॉपर शोज नहीं मिले और हम लोगों को उस वक्त आइडिया हो गया था कि यार फिल्म जो है वो लोगों तक प्रॉपर नहीं पहुँच रही। फिर हम लोग को 4-5 दिन के बाद फिल्म जब रिलीज़ हुई उसके बाद हम लोगों ने खुद सिनेमा से इसको उतार लिया और उस वक्त हमारे माइंड में ये प्लान था कि हम इसको रिलीज़ करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी जो मतलब समझ लें कि फीडबैक समझ लें या हमारे माइंड में जो रिलीज़ का प्लान आया वो जो था वो ऑडियंस के रिस्पॉन्स की वजह से आया। और जितने लोगों ने भी देखा इसका रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था, जिसकी वजह से हम लोगों ने प्लान किया और फिर लोगों ने हमें कहा कि आप इसको रिलीज़ करें। तो फाइनली हम इंशाल्लाह इसको रिलीज़ कर रहे हैं 11 जनवरी को। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप जाएं और इसको देखें और देखने के बाद जो भी आपकी राय हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। ईपीके की जानिब से भी शुएब खान को बेस्ट ऑफ लक और बहुत सी बेस्ट विशेस। लेकिन गुड लक और बेस्ट विशेस के अलावा किसी भी फिल्म को चाहिए होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, मीडिया की और इंडस्ट्री की फुल सपोर्ट। क्या ये सपोर्ट इस दफ़ा शुएब खान को हासिल है या उन्हीं से ही पूछते हैं? मैं ये कहूँगा अनफॉर्चुनेटली ये जितनी भी बातें हैं कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की, ये सिर्फ वर्बली है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। इसमें जैकपॉट की बात मैं करता हूँ तो हमारे पीछे कोई बड़ा बैनर नहीं था, हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन खुद की। तो हमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आई कि जो मेन स्ट्रीम चैनल थे, जिस तरह आप समझ लें कि हम नेटवर्क हो गया, एयरवाई हो गया, जियो हो गया, ये तीनों मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो पहले तो इनका प्रॉब्लम ये है, जिस तरह एयरवाई फिल्म रिलीज़ करता है तो हम या जियो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो हमें इस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर सोचना पड़ेगा कि वो हम की फ़िल्म हो, एयरवे की हो या जियो की हो, हमें सबको मिलके, जब अगर पाकिस्तान की फ़िल्म है, अगर हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की, अगर फिल्म ग्रो करेगी तो हम ग्रो करेंगे, हमें इस पॉइंट पे सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, हम भी इस बात से अग्री करते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री उस सूरत में ही ग्रो कर सकती है जब तमाम मीडिया हाउसेज मिलकर हर फिल्म को सपोर्ट एंड प्रमोट करें। इसके बाद शुएब खान ने की एक बहुत ही स्वीट बात, और मैं यहाँ पे जो है ईपीके एंटरटेनमेंट का भी शुक्र अदा करूँगा एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि एटलीस्ट कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला जहाँ पे आकर हम फिल्म की बात कर सकते हैं। हमारी तरफ से भी शुएब खान का शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ईपीके हमेशा अपने व्यूअर्स को देता है एंटरटेनमेंट की दुनिया की मजेदार और लेटेस्ट न्यूज, तो हमारे साथ रहिएगा।